कोई बोलते कि चामे गरीब हमें ये होता है वो होता है, मैं उनको दावत देता हूँ कि भाई आए हमारे साथ, जुलूस में भी आए हमारे साथ चले, शामे गरीब हमें बैठे हम हमारे साथ बैठे, क्या होता है क्या होता है ये नहीं होता है ये दुनिया को बताएं। शामे गरीब हमें ये होता है कि जब एक आदमी जो हमारे मौला थे उनका पूरे का पूरा घर उजड़ा है, उजड़ गया तो वो उन्होंने अंधेरा किया था, चरागों में बैठे हुए थे, उनके खेमे तक जला दिए गए थे, हम उनकी याद मनाते हैं भाई, हम अपने अंधेरा करते हैं ताकि रो रो आप जितना रो सकते हैं रो, अंधेरे में तो कोई शर्माता नहीं। ये हम अली असगर की शबी के तौर पे बनाते हैं, जिनके 6 माह के बच्चे को शहीद किया गया था उनकी ये शबी होती है कि वो झूला वहां जल चुका था, खाकस्तर हो गया था, शामे गरीबा में झूला तक उन लोगों ने जालिमों ने जला दिया था। अलम का मतलब ये होता है कि भाई एक युद्ध है, एक कौम है जो लेके चल रही है और इसके साए में हम चल ही रहे हैं और इसकी दुआओं से लोगों की मन्नतें भी पूरी हो रही है और इंशाल्लाह जब तक है हम इनको चलाते रहे। जो ताजिया है ये समझ एक शबी होती है इमाम हुसैन की, ये हम उनकी शबी निकालते हैं 9 मुहर्रम को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राबिया नूर वीडियो की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम आपको लेके आए हैं बलगिया टाउन का इलाका है रशीदाबाद, यहाँ पर नाज़रीन एक इमाम बारगाह है, यहाँ पर हम आपको लेके आए हैं और आज 9 मुहर्रम है, सुबह 10 मुहर्रम है, तो यहाँ के मनाजर हम आपको दिखाते हैं और यहाँ के जो यानी ये समझ लें कि जो बड़े हैदर भाई इनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। और नाज़रीन, बहुत सारी बातें जो अक्सर जो है मुख्तलिफ लोगों के जहनों में चल रही होती हैं मुहर्रम के हवाले से, ताज़ियों के हवाले से, जो ताज़िये वगैरह ये जो अहले तशरीफ बनाते हैं इनके हवाले से मुख्तलिफ सवालात लोगों के जहन में होते हैं, फिर उसके बाद मातम क्यों किया जाता है और ये अलम वगैरह क्यों लगाए जाते हैं और उसके बाद ताज़िये क्यों बनाए जाते हैं, और उसके बाद एक ख़ास और अहम सवाल ये है कि ये जो शामे गरीबा मनाई जाती है तो इसमें मुख्तलिफ लोगों के जहन में बहुत उल्टी सीधी बातें हैं कि बहुत यानी गलत काम होते हैं या बहुत से जो है ना नेगेटिव सोचें लोगों के जहन में आती हैं, तो इस हवाले से हम लोग आए यहाँ पर कि चलें थोड़ा सा जो है ये सारी तफसीलात इनसे लेते हैं कि ये आखिर मामला क्या है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, इससे ये है कि हमारी हौसला अफजाई होती है और हम आपके लिए जो है ना कोशिश करते हैं और मुख्तलिफ जगहों पे जाके आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाते हैं। तो नाज़रीन, वक्त ज़ाया किए बग़ैर मैं आपको ले कर चलता हूँ वीडियो की तरफ। और ये इस टाइम जो आप मनाजर देख रहे हैं ये भी एक ताज़िया इन्होंने बनाया हुआ है और इसकी आप खूबसूरती देख सकते हैं, माशाल्लाह ये इन्होंने घूमने वाले इसके पिलर दिए हुए हैं और ये इसकी सजावट आप देख सकते हैं। और इसके बारे में भी हम हैदर भाई से पूछेंगे कि इसके ऊपर इनका कितना ख़र्चा आया है और ये कितने दिनों में तैयार हुआ है। तो इसकी ये बनावट आप देखें, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाई गई है। और नाज़रीन, ये इमाम बारगाह के अंदर के मनाजर आपको दिखा रहे हैं, ये अंदर इनके जो है मुख्तलिफ़ यानी इसको हम लोग कह सकते हैं कि इनके जो ताज़िये भी हैं इसमें मॉडल वगैरह कुछ रखे हुए हैं, अलम वगैरह कुछ रखे हुए हैं, कुछ तलवारें कुछ इस तरह की चीज़ें ये रखी गई हैं, तो इनके बारे में भी थोड़ा हम इनसे डिटेल लेंगे। ये आपको मनाजर मुख्तलिफ चीज़ों के थोड़े थोड़े हम लोग दिखा रहे हैं और ये कोई फ्रेम भी बनी हुई है और ये झूला भी जो है छोटा एक अंदर नज़र आ रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कुछ ताज़िये नज़र आ रहे हैं, कुछ फ्रेमें कुछ फैंसी फ्रेमें भी इस तरफ हैं और इस तरफ भी कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, कोई अलम वगैरह कुछ चीज़ें इस तरफ भी नज़र आ रही हैं। तो ये आपको जो है ना पूरे इंशाल्लाह अंदर के मनाजर दिखाते हैं और मेरा ये ख्याल है कि पहली दफ़ा ऐसी वीडियो आप जो है वो देख रहे होंगे। ये नाज़रीन एक झूला है छोटा जैसा, इसके बारे में भी इनसे पूछें कि आगे चल के कि ये झूला किसका है और इसका मकसद क्या है। तो आपने वीडियो में जुड़े रहना है, वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, उम्मीद है आपको वीडियो इंशाल्लाह हमारी बहुत पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह आपको ले कर चलते हैं अभी हैदर भाई की तरफ, चले आए। वालेकुम सलाम जी। सर, सबसे पहले जो है वो
अपने व्यूअर्स को अपना पूरा नाम बता दें। जनाब मेरा नाम सैयद गुलाम हैदर नकवी है जी सर, और ये बल्दिया टाउन 7 नंबर का एरिया है जी जी। ये हमारा मरकजी इमाम बारक है जो 1965 से तामीर किया गया है, और 1965 से ये सिलसिला हमारे परदादा बाप वालिद वगैरह से चला ही आ रहा है सिलसिला। तो ये जो ताजिया है ये समझ ले एक शबी होती है इमाम हुसैन की, ये हम उनकी शबी निकालते हैं 9 मुहर्रम को। तो ये अभी ये है कि शबी निकालते रात भर पे ज्यारत है मन्नत वाले। अभी मैं आपको बताऊं जो पीछे जो आ रहे हैं उनमें ज्यादा अहले सुन्नत है, अहले तशी तो कम है, अहले सुन्नत अपनी मन्नत है पूरी करती है और मौला उन्हें देता है। मतलब 3 दिन तक 7 मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक ये सिलसिला चलता रहता है। तो सारे अहले सुन्नत बरादर होते हैं, मौला से मांगते हैं मौला उन्हें देते हैं, तो ये रश बढ़ता ही जाता है। तो हैदर भाई जो है ये बता दें कि ये जो आप माशाल्लाह से ताजिया बनाते हैं तो ये मतलब कब से शुरू कर देते हैं, इसको बनाना कब से शुरू कर देते हैं? ये हम ईद के बाद फौरन। अच्छा, ईद के बाद बकरा ईद के बाद। हाँ। मतलब कितना दिन लग जाते हैं इसपे? कम से कम 20-25 दिन लग जाते हैं। 25 दिन लग जाते हैं। तो अच्छा, इस पे माशाल्लाह से कितनी तकरीबन लागत आ जाती है, मतलब कितना कुछ इसके खर्चा? अभी बजट जो आ गया हमारे 1 लाख के करीब आ चुका है माशाल्लाह, 1 लाख के करीब। ये तो हमारे काबिश मोमिन बंदे हैं जो करते हैं, और सब दिल बांट के करते हैं। इस मोहल्ले में तो सब कुछ होता है, तो सब हम सभी करते हैं, बस वो मौला का करम है। कि अलम की तशी तो ये है कि वो खैबर का किस्सा तो सुना ही होगा सबने, सुना है पढ़ा भी है, जहाँ मौला अली को ये अलम दिया गया था जी। फिर मौला अली से इमाम हसन तक पहुँचा, इमाम हसन से इमाम हुसैन तक पहुँचा, फिर इमाम हुसैन के साथ ये करबला तक आया जो गाजी अब्बास को। बिल्कुल, तो हम आप देखोगे इस पे हजरत अब्बास ही लिखा होता है, अलमदार गाजी अब्बास अलमदार। तो वो निशान फिर मौला हुसैन ने उन्हीं को दिया था, आखिरी जो था वो उन्हीं के हाथ में था, जो वो लड़ते लड़ते शहीद हो गए, जामे शहादत उन्होंने नोश की, तो उसी की निशानी हम ये चलाते कि अलम। अलम का मतलब ये होता है कि भाई एक जुद है, एक कौम है जो लेके चल रही है, और इसके साये में हम चल ही रहे हैं, और इसकी दुआओं से लोगों की मन्नतें भी पूरी हो रही है, और इंशाल्लाह जब तक है हम इनको चलाते रहेंगे। तब ये कि 10 मुहर्रम कल जुलूस जोर के बाद निकलेता है कि जिंजी जनी होती है। अच्छा। जो करबला का वाकया 10 मुहर्रम को हुआ है कि 72 शहीद हुए, सुबह से शाम तक मौला हुसैन ने वो शहादतें गिनी है, उठाई है, जिसमें 6 माह का बच्चे को भी मारा गया है। जुल्म की इंतहा, ये जुल्म की इंतहा है, अल्लाह सब को, इतना मासूम बच्चे को नहीं छोड़ा है। यजीद ने, यजीद के किरदार को बताना चाहिए, लोगों को चाहिए कि यजीद का किरदार आम करे, उसने कैसे कैसे जुल्म किया करबला में। ये एक वाकया नहीं है भाई, ये एक जुल्म हुआ है, जुल्म जिसे दुनिया को हमें बताना चाहिए कि जुल्म बहुत जुल्म हुआ है, बहुत जुल्म। माँ बहनों को उनकी चादरें छीनी गई है, जिन्हें दरबारों में 1 साल तक घुमाया गया इस यजीद पलीत ने। मैं जिंदगी भर यजीद पलीत पे लाना तो बेशुमार। अच्छा हैदर भाई, आपके जज्बात को हम क्या पूरी मुस्लिम उम्मा समझती है और जानते हैं लोग। अच्छा एक चीज और बहुत गर्दश करती है, काफी सारे लोगों के दिमागों में घूमी हुई होती है कि यार ये जो शाम गरीबा आती है, तो ये इसके हवाले से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि ये इस पे जो है वो फिर एंड पे जो है जाके जब नेगेटिव ख्यालात होते हैं, जरा आप इसकी तशरीह कर दें। देखें भाई, मैं अभी कुछ कहूंगा आप बोलोगे ऐसा नहीं होता है। मैं जिनको कोई भी मसला है, कोई बोलते कि शाम गरीबा में ये होता है वो होता है, मैं उनको दावत देता हूँ कि भाई आए हमारे साथ जुलूस में भी, आए हमारे साथ चले, शामे गरीब हम ही बैठे, हम हमारे साथ बैठे, क्या होता है क्या होता है ये नहीं होता है, ये दुनिया को बताएं। शामे गरीबों में ये होता है कि जब एक आदमी जो हमारे मौला थे उनका पूरे का पूरा घर उजड़ा है, उजड़ गया है, तो वो उन्होंने अंधेरा किया था, चरागों में बैठे हुए थे, उनके खेमे तक जला दिए गए थे। हम उनकी याद मनाते हैं भाई, हम अपने अंधेरा करते हैं ताकि रो रो, आप जितना रो सकते हैं रो, अंधेरे में तो कोई शर्माता नहीं है ना, रोता है, इस वजह से ये अंधेरा किया जाता है। मैं सबको दावत देता हूँ, जो जो लोग जहन में ये चल रहा है कि ये होता है वो होता है, भाई आप आ जाओ, मेरे पास नहीं आओ, आप कहीं भी जो शामे गरीबा होती है आप वहां जाए, और सच्चाई से आप सच्चाई को अपनाएं, ताकि सच्चाई क्या है, तमाम लोगों के जो दिल में या दिमाग में कुछ लोगों के फतूल है वो खत्म हो जाए। कितने लोग हैं, कितना लोग जो बनाते हैं ये लोग खत्म हो जाए। तो ये हैदर भाई के आप जज्बात समझ रहे हो, मैं आपको भी दावत देता हूँ कि आप भी आए, गरीबा आपके यूट्यूब के चैनल से मैं आवश्यक से, तो मैं आगे भी चल के आपको जो है वो और एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ। हैदर भाई एक थोड़ा सा ये हमें बताएं कि ये हमें एक ताजिया नजर आ रहा है, ये ताजिया किस चीज का है? मतलब ये हैदर भाई ये है झूला, ये हम अली असगर की शबी के तौर पर बनाते हैं, जिनके 6 माह के बच्चे को शहीद किया गया था, उनकी ये शबी होती है कि वो झूला वहां जल चुका था, खाकस्तर हो गया था,
शाम गरीबा में झूला तक उन लोगों ने जालिमों ने जला दिया था, तो उनकी ये याद में हम झूला बनाते हैं। और ये मन्नतें देखें, जिसके जिसके घर औलाद ना हो ना, ये लोग आते हैं, ये मन्नत चढ़ाते हैं और अल्लाह उनको असगर के सदके में देता है, वो मन्नतें पूरी होती है। वो लोग हैं जो आगे यहाँ झूले पे अपने कपड़े चढ़ा दे बच्चों को, बे औलाद होते हैं उनको मौला अली असगर के सदके में इनको सब मिलता है। जो इमाम हुसैन के करबला में राहवार भी कहते हैं, कोई दुलदुल कहता है, जिन पर इमाम हुसैन सवार होते थे, तो ये इसको भी मार दिया गया था, इस पर भी इतने तीर लगे थे इमाम हुसैन को जब ये साथ लेके गया था आखिरी वक्त में, इसे भी ना छोड़ा गया। मगर ये जब घर पहुंच के उसने इतला दे दी, खाली जब घर पहुंचा तो उसने कह दिया कि बेजबानी से कि हुसैन कत्ल हो चुके हैं, अब मेरे को भी कत्ल करिए। ये इसका भी इंतकाल उसी वक्त हो गया। तो ये छवि भी हम बनाते हैं, ये मौला गाजी की, इमाम हुसैन की, ये सब गुलजना वो था जो रसूल खुदा ने दिया हुआ था मौला हुसैन को, ये वो गुलजना है।